जब हम चाहत फतेह अली खान साहब की बात करते हैं ना, देखिए अगर वो यहाँ आए होंगे, आई एम श्योर हर शो कह रहा होगा कि जी हमारे शो पे थोड़ी देर आके बिल्कुल यूके में उनके शोज बिके हैं $8,000 to $10,000 एक गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हम जिन सिंगर्स को दिलो जान से प्यार करते हैं, जैसे बदोबदी गाना एक ऐसी मेलोडी थी जो इंसान आज भी, मैं तो बहुत पसंद उनको करती हूँ, उन्होंने उस गाने की और लोगों ने टिकटॉक भी बनाए उसके ऊपर, तो ये हम आवाम भी तो उनको दे रही है ना, अपनी अप्रिसिएशन कर रही है या उनको हाइप दे रही है, चाहे मजाक ही उड़ा रही है पर उड़ा तो रही है, उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स बन गए। बात सारी आपने जहाँ बात की थी सोशल नेगेटिव पब्लिसिटी, जी आपने सोशल मीडिया की बात की थी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो उसी चीज को शो करता है कि सोशल मीडिया की जो एडवांटेज है, व्यूअरशिप आपकी आ रही है, वो कुछ भी काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं उनके पास एक व्यूअरशिप मेंटेन है, फिर उनको ब्रांड्स भी मिलेंगे, फिर उनको और ऑफिस शोज भी मिलेंगे, $5,000 भी मिलेंगे। लेजेंड्स के गाने ना खराब करें, ये है आमना जी कि अगर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा तो ऐसे ही लोग पैदा होंगे, फिर ये जो आर्टिस्ट है, नहीं नहीं आपको डिस्कस करें, ये ऐसे लोग एक ही है वो और कोई नहीं है, नहीं सर, अब वो एक ही है ना। अब और कोई आएगा तो उसके आगे बुरा लगा, वो एक ही बुरा बहुत है। अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के दिलों की आवाज क्यों ऐसी है, क्योंकि देखिए हम तो मस्ती की बात कर रहे हैं, बस ये है एंजॉय कर रहे हैं, जो भी काम किया सब मेरी बात सुने। आप देखे, आप मिले होंगे उनसे, मिले हैं, बहुत मजाक में कभी कह ही बहुत बहुत, अरे हमको इतना मजाक करते हैं, लेकिन वो ढीठ है, आगे हंसता रहता है, वो बोलता है हाँ रूफी भाई, हाँ रूफी, यूं करता रहता है बस। एक दफा फिर से हाँ रूफी भाई, हाँ यहाँ तक लेके यहाँ तक स्त्री रख के। देखिए एक बात तो मैं जानती हूँ कि उस इंसान ने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, तो किसी ने बोला कि यार रूफी के लिए कोई गाना बना दो, ऐसी उसमें बोला रूफी को, बोलो $200 मुझे भेज दे। ओ माय गॉड, कसम खाएं नहीं करें, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे बोलता है यार इतना तो बुरा मैं भी नहीं गाती, तो मैं थोड़ा सा ही गा के कर लेती हूँ, ये मतलब मैं गा सकती हूँ, आप तो गा सकती हैं, तो मतलब इतनी बुरी तो मैं भी नहीं हूँ वैसे, आप भी उससे अच्छी, हां मैं पूरी दुनिया उससे अच्छी है, वो एक ही ऐसा भंगी है म्यूजिक के साथ खिलवाड़ है, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, बाकी ये बात है मजाक में, आप बस मेरी बात का पूरी बात चीज को कन्फ्रंट कर लें कि भाई मैं म्यूजिक कर ही नहीं रहा, मैं कॉमेडी कर रहा हूं, मैं कॉमेडी कर रहा हूं, बस कह दे आप साहब से भी अच्छा मैं गाता हूं, नहीं ये नहीं हो, और फिर नाम भी ऐसा रख लेना चाहत फतेह अली, बोल रहा है तीन राग निकाल रहा हूं मैं, अच्छा राग खुशी, वाह वाह वाह, राग गम, वाह, राग हमेशा, वाह वाह वाह, हमेशा ही हमें जिंदगी भर ऑलवेज, अच्छा हाँ, मैंने बोला इसमें क्या होगा, बोले अभी मैं गाने पेश करूंगा, जब अली बे पे थे आया था ना उसका, मैं लाहौर में, मैं और इफ्तिखार ठाकुर शो था, अली बे पे थे, अरे हिट अली बे पे थे से, अली बे पे थे से जिमचे हे खे, अब ये गाना हमें सुना रहा है, मैं और इफ्तिखार ठाकुर बैठे हुए लाहौर ऊपर पीसी में, शो था नीचे हमारा, बोला ये रूफ भाई मेरा नया आ रहा है, आप देखेंगे इस चीज को, देखेंगे सारे गामा को अलिफ बे पे ते से कर दिया, ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक टैलेंट है उनका, और मुझे लगता है बढ़ा उसको और बढ़ा दो, कि मुझे हमें पर्सनली उनसे कोई ग्रजेस नहीं है, अपनी कोई ये मान ले, मुजद्दिद ने बिल्कुल करेक्ट बात की है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आप एक कॉमेडियन हैं, बस आप कॉमेडियन हैं, हम आपको एंजॉय करें, बट ये लोग उनके शोज भी करें, ये जुल्म ना करें।